मामा दूर के, यद्यपि लक्ष्मी माता का जन्म भी सागर से है और चंद्रमा का भी जन्म सागर से है, तो लक्ष्मी जी को हम आप लोग कहते हैं मां। और लक्ष्मी जी और चंद्रमा का जो संबंध है वो बहन भाई का है, तो लक्ष्मी जी हमारी मां है तो चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा। यही कारण है, क्योंकि चंद्रमा से लक्ष्मी जी का जन्म है और चंद्रमा से ही, सागर से ही चंद्रमा का जन्म है, तो बचपन से इसीलिए लोग कहते आ रहे हैं कि चंद्रमा मामा है। अब भगवान ने जब चंद्रमा का उदय देखा तो राम जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, बघुरे बिचारे कीन्हे मन माही, सीये बदन समु ही में कर नाही। लक्ष्मण आज देखो ना भैया, यह चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है, मानो बरियाई हमसे यह कहलवाना चाहता है कि कह दो राम, जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया मैं ये कैसे कह दूं कि चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है, भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि चंद्रमा तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनिबंधु भिस दिन मलिन सकलंक, सियमुख समता पाव किवी चंद बापरो रंक, इसका तो जन्म समुद्र से है, बिस इसका भाई है, ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है दिखाई नहीं देता, भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते उपमा पी की पड़ जाती है, इसमें कलंक है लगा हुआ, बहन इस कलंक दर्शाती है, इसमें बहुत कहना है तुमसे कि तुम जानकी के मुखारविंद की समता नहीं कर सकते, और कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि हे चंद्रमा, मयंक में कलंक की निशानी बन गई जानकी के जन्म की कहानी बन गई, वह जानकी गुण खान रूप की रानी बन गई, कपट जब गुरु
आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। किया कपट जब गुरु से चंद्र ने हर ली उनकी नारी, गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी, हुआ ज्ञान जब लगा ध्यान तो पापी उनमें माया, गुरु ने जाकर स्वयं शिष्य को अपना शीश झुकाया, गुरु हरि हरि के हर की हैरानी बन गई, सेवा में चले। देखिए इस प्रसंग से एक शिक्षा मिलती है, व्यक्ति चाहे जितना सुंदर हो, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि चंद्रमा में बहुत से गुण हैं, लेकिन इसका जो चरित्र